महादेव का धाम। केदार घाटी महादेव के भक्तों से भरी थी। कोई मंदिर के बाहर बैठा था, कोई कैंप, और कोई होटल के कमरों में। किसी का सफर अभी बाकी था तो किसी के पांव तेजी से केदार धाम की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी आसमान में एक आहट सुनाई दी। केदार घाटी में इस तरह के बादलों का बवाल करना आम बात है, लिहाजा किसी ने बादलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन चंद मिनट में ही बारिश की बूंदें बम बन गईं। रात के 8:30 से 9 बजे के बीच अचानक ऐसा मौसम बदला कि तबाही के बादल आज तक नहीं छटे। हस्ती खेलती घाटी में अब हर तरफ तबाही का मंजर था। चीखते चिल्लाते लोग, खाने पीने को तरसते लोग और जिंदगी बचाने की गुहार लगाते लोग। त्रासदी के बाद केदारनाथ में 11 साल बाद सबसे बड़ी तबाही हुई, लेकिन इस बार भी कोई नहीं समझ पाया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि बादल मौत बनकर बरसने लगे। बुधवार को शुरू हुई तबाही आज भी छटी नहीं है, लेकिन उस रात आखिर क्या हुआ था, कैसे बादल फटे, कैसे तबाही आई, कैसे हजारों लोगों की जिंदगी बचाई गई, आज के व्यक्ति विशेष में इसी पर बात होगी। पहाड़ जितनी खूबसूरत है उनके आसपास रहना उतना ही बड़ा खतरा है। केदार घाटी में आई तबाही इस बात का सबूत है कि किस तरह पल भर में शांत सी वादियां मौत की घाटी में बदल जाती हैं। केदार घाटी में 31 जुलाई की काली रात जो तबाही आई, उसके बाद घाटी में सब कुछ बदल गया। इस बार 2013 जैसी त्रासदी से तो प्रकृति ने रहम कर दिया, लेकिन बूंद बम बनकर बरसे बादलों ने इंसानी विकास के चकनाचूर कर दिया। कैसे आई तबाही, क्या हुआ था उस रात, पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे ऑपरेशन जिंदगी चलाकर 10,000 जिंदगियां बचाई गई। तबाही के बाद ये केदार घाटी में चल रहा ऑपरेशन जिंदगी है। सांसें बचाने की जंग ऐसी कि ना मौसम की परवाह, ना दिन रात का फर्क। रथ यात्रा का लगातार रेस्क्यू जा रही है और आज हम भी यहाँ से निकल कर आ चुका है। हम भी जरा देख के आएंगे कि ग्राउंड जीरो पे SDRF की टीम के साथ हम भी यहाँ से निकल गए हैं। चीरवासा अभी हम पहुंचेंगे, लेकिन जो हेलीकॉप्टर प्रशासन ने
5 आज रेस्क्यू के लगाए हैं, इन पे काम शुरू हो गया है और अब आपको वो तस्वीर दिखा सकते हैं, सामने आप देख सकते हैं गौरी कुंड के ऊपर हम पहुंचने वाले हैं। इस सामने ठीक गौरी कुंड है और गौरी कुंड गौरी कुंड गौरी कुंड से 100 रुपया के बीच जो रास्ता है वो गौरी कुंड। केदार घाटी में ऐसी तबाही वापस दस्तक देगी किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन तबाही आई तो देवदूत बनकर एनडीआरएफ एसडीआरएफ सेना सब जवान जुट गए। जीरवासा ये हेलीपैड है जिसको तैयार किया गया, क्योंकि भले ही हेलीपैड 2013 के बाद बनाया गया था लेकिन इस हेलीपैड में पत्थर वगैरह काफी थे और इसको कल तैयार इसलिए किया गया क्योंकि अब रेस्क्यू का काम यहां से भी शुरू होगा, क्योंकि इस गौरीकुंड में कई लोग फंसे थे। सोनप्रयाग और गौरीकुंड का जो बीच का जो रास्ता था वो टूट चुका था और अभी आप देख सकते हैं कि हम गौरीकुंड की तरफ बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड ठीक चीरवासा हेलीपैड से ठीक जस्ट बगल में ही बड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ है। बारिश और बाढ़ से करीब करीब आधा हिंदुस्तान बेहाल है, लेकिन जिस तरह केदार घाटी में बादल फटने और जमीन खिसकने से हालात जानलेवा हो गए हैं, वैसी तबाही का अंदेशा किसी को नहीं था। केदार घाटी में बादल फटने के बाद आई तबाही को अपनी आंखों से देखने वाले लोग आज भी दहशत में हैं। यहाँ से घोड़ा लेके और मैं जा रहा था यहाँ से और 8 बजे का टाइम था, 10 मिनट दुकान में बैठा, 10 मिनट के बाद जो है कि मेरे को यहाँ से झरना टूट पड़ा। अच्छा, जो ये झरना बना है पूरा रास्ता टूट गया, तो फिर आप यहीं रह रहे हैं? रास्ता जाने के लिए नहीं है सर, आगे फिर जो है कि हम यही नाइट होल्ड कर रहे हैं। हर जगह भी हुई रात को जो है कि बेचैनी हो रही है हर जगह पे, कहीं भी सोने के लिए खाने के लिए नहीं मिल पाया। उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर बारिश और बादल फटने से हुई तबाही ने साल 2023 की आपदा की यादें ताजा कर दी हैं। मंदिर के पास से कलकल बहती मंदाकिनी का रौद्र रूप डरा रहा है। उसका जलस्तर इतना बढ़ गया है कि गौरी कुंड का तप्त कुंड पानी में समा गया है। पैदल मार्ग और मोटर मार्ग सब कुछ तबाह हो गया, जो जहां था वहीं फंसा रह गया। बुधवार की रात को आई आपदा का दंश सबसे ज्यादा अगर देखने को मिल रहा है तो अभी गौरीकुंड में मिल रहा है। मैं आपको सीधे वो तस्वीरें दिखा देता हूँ, आप मेरे पीछे देखिए, पूरा ये यहाँ पे पत्थर और बोल्डर में समाया हुआ है और ये यहाँ पे जो चीज थी वो यहाँ पे थी गरम कुंड। यहाँ पे 2013 की आपदा में भी दबा था और उसके बाद नया यहाँ पे निर्माण हुआ था, गरम कुंड को तैयार किया गया था और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं यानी कि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं वो यहाँ पे गरम कुंड में स्नान करने के बाद केदारनाथ धाम में जाते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे नुकसान है, यहाँ पे जो लगातार पुनर्निर्माण काम के कार्य यहाँ पे चल रहे थे वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुए हैं। यहाँ पे कई लोग रहते थे, यहाँ मजदूर यहाँ रहते थे, सुलभ के लोग रहते थे। अब आप देख सकते हैं कि ये वो मंजर है जो बयां करता है कि किस तरीके से नुकसान अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से हुआ है। यहाँ पे पहाड़ के पूरा बॉर्डर गिर गया, अभी भी ऊपर खतरा बना है। मैं आपको वो तस्वीरें दिखा सकता हूँ कि इस पूरे पहाड़ के ऊपर एक कुछ मकान है, कुछ घर है, वो भी कहीं ना कहीं खतरे की जद में है क्योंकि नीचे से ये पहाड़ अंदर ही अंदर काट रहा है और इसके बाद क्या स्थितियां होंगी ये अभी कहना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन फिलहाल प्रशासन अब इन लोगों को भी शिफ्ट कहीं ना कहीं यहाँ से करवाएगा। तबाही की रात गौरी कुंड में खौफ में यात्रियों को होटल छोड़ आधी रात जंगल की तरफ भागना पड़ा। हालांकि इस आपदा में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई यात्री अभी भी फंसे हैं। रविवार की सुबह तक करीब 1000 यात्री धाम में ही फंसे हुए थे जिनके रेस्क्यू के काम को अंजाम दिया जा रहा था। ये
आप देख सकते हैं हम इसी हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंचे थे। अब ये हेलीकॉप्टर यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके लेके जा रहा है, यानी कि जो लोग यहाँ फंसे हैं, जो गौरीकुंड में लोग फंसे हैं, गौरीकुंड से उन लोगों को यहाँ पे पहुंचाया जाएगा। करीब 1 से 1.25 किलोमीटर की ये दूरी है गौरीकुंड से यहाँ तक की, और यहाँ पे जब ये लोग पहुंचेंगे तो यहाँ से उनका रेस्क्यू कर हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें भेजा जाएगा। यात्रा रूट पर यात्री होटल और पैदल मार्ग में अलग अलग जगहों पर फंसे हैं, जिन्हें बचाने के लिए मौके पर वायुसेना के चिनुक और MI-17 हेलीकॉप्टरों से मोर्चा संभाले है। इसके अलावा 5 लाइट हेलीकॉप्टर लगे हैं। SDRF 8 टीम के 82 NDRF 1 टीम और सेना की एक टुकड़ी रेस्क्यू की कमान संभाले है। दूसरी तरफ ऊंची पहाड़ी से लैंडस्लाइड का खतरा अब भी मंडरा रहा है, और यहाँ पे SDRF की टीम भी यहाँ पे पहुंची है। सर क्या कुछ देखने को मिला? ये हम चीड़वासा से नीचे सोनप्रयाग तक एक सर्च अभियान चलाए हुए हैं, जिसमें कोई ऐसा आदमी छूट गया हो या कोई जो कहीं हो और उसको सूचना ना दे पाया हो, उसके लिए हम एक सर्च अभियान चलाए हुए हैं, जिससे कि उनको हम सुरक्षित स्थान पर पहुंचा चुके हैं। इसीलिए हम ये तप्तकुंड वाले एरिया में भी आए, क्योंकि यहाँ कई इमारतें हैं, उनमें भी हमने चेक कर लिया कि कोई छूटा हुआ हो और जो नीचे जाना चाहता हो सुरक्षित स्थान पर, उसके लिए हम यहाँ हैं। ये चीड़वासा का जो हेलीपैड है हमारा, कल वो फंक्शनल हो गया था। कई जो श्रद्धालु हैं उनको हमने सोनप्रयाग भेज दिया, लेकिन यहाँ के लोकल जो लोग हैं, दुकानदार हैं, वो अभी यहीं रहना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पर हैं। बाकी सारे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया जा चुका है। तबाही का दायरा करीब 20 किलोमीटर के इलाके में फैला है, जिसमें फंसे करीब 10,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरकर हालात का जायजा ले रही है। इस दौरान कई ऐसे मंजर नजर आए जिन्हें बयां कर पाना भी मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे, क्योंकि एक रास्ता पूरा था, लैंडस्लाइड हुआ तो ये रास्ता पूरा टूट गया। अभी हम भी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डर का माहौल इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि ऊपर से कभी भी एक पत्थर गिर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा ये झरना गिर रहा है। भले ही अभी खूबसूरत ये झरना लग रहा है, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे इस टाइम कहीं किसी भी टाइम डर हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी टीम यहाँ निकल चुकी है SDRF की, और अपने जो सहयोगी कैमरामैन साथी हैं संदीप, उनसे भी कहूंगा वो भी आगे आए। भारी बारिश और बाढ़ के बाद सोनप्रयाग में पहाड़ टूट रहे हैं। एक ऐसी ही तस्वीर वहां से आई है जिसमें पहाड़ टूटता देख सकते हैं। विशाल चट्टाने ऊपर से गिर रही हैं। इससे पहले भी सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुई थी, जिससे पूरा का पूरा रास्ता टूट गया था और लोग फंस गए थे। सोनप्रयाग से ही केदार घाटी का पैदल रास्ता शुरू होता है, और इस रास्ते पर करीब 10 जगहों पर सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। रेस्क्यू किस तरीके से हुआ आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं। अभी हम भी इन बड़े बड़े बोर्डरों के जरिए हम यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पे यही चुनौती नहीं थी, यहाँ पे चुनौती किस तरीके से आप देख सकते हैं। एक ऊपर से पहाड़ लगातार दरक रहा था, बड़े बड़े बोर्डर, आप ये बोर्डर देख सकते हैं तस्वीरों में, कितने बड़े बोर्डर है, ये लगातार नीचे को आ रहे थे। अब ये चुनौती है हमारे सामने कि हमें जो ये तार यहाँ पे है, इन तारों से ऊपर चलना है, क्योंकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन था, ये कहीं ना कहीं बाहरी दिक्कत हो रहा था। केदारनाथ में ऑपरेशन जिंदगी अभी जारी है। सेना, वायुसेना, NDRF, SDRF सहित स्थानीय पुलिस के जवान भी लोगों को बचाने में जुटे हैं। लेकिन जिस तरह की तबाही 31 जुलाई की रात मची, उसके जख्म मिटाने में लंबा वक्त लगेगा। केदार घाटी से न्यूज 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। इकतीस जुलाई को रात करीब 8:30 बजे से 9 बजे के बीच का वक्त रहा होगा, जब आसमान से आफत बरसनी शुरू हुई। जानकार ये कहते हैं कि बादल फटे तो चश्मदीद कहते हैं कि वो विनाश की आहट थी।
जिसे कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा। जान बचाने के लिए लोग जंगल में भागे तो वहीं कुछ लोग भटक गए, लेकिन देवदूतों ने एक एक शख्स को खोजा और बचाया, वो काबिले तारीफ है। केदार घाटी में उस रात सब कुछ सामान्य था। मंदिर में हर दिन की तरह ही हलचल थी। पैदल रास्तों पर वैसे ही महादेव के भक्त चले आ रहे थे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड होते हुए केदार घाटी तक हर कदम पर लोग मौजूद थे। लेकिन तभी आसमान में अचानक काले बादल गड़गड़ाने लगे। पहले तो लगा सब कुछ सामान्य सा है, क्योंकि बादलों का यूं छाना और महादेव के मंदिर पर बरस कर गुजर जाना एक सामान्य बात है। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। वक्त करीब रात के 8:30 बजे का रहा होगा, जब अचानक झरने की धारा तेज हो गई। श्रद्धालु अब तक अनहोनी से बेखबर थे, लेकिन झरने के पास में ही दुकान लगाने वाले को समझ आ गया था कि ये बादल आज मौत बनकर बरसने वाले हैं। हुआ भी ठीक ऐसा ही। रात की 9 बजते हर तरफ खबर फैल गई कि केदारनाथ में बादल फटे हैं और इस तबाही की चपेट में आए हैं भीमबली, रामबाड़ा, लिंचौली, चीरवासा, सोनप्रयाग, गौरीकुंड। ये वो जगह हैं जहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में ठहरते हैं। लेकिन अचानक बादल फटने से 20 किलोमीटर के दायरे में करीब 100 मिलीमीटर बारिश चंद मिनटों में हो गई। बादल फाड़ तबाही ने केदार घाटी और उस तक पहुंचने वाले रास्तों को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग पर मुयाल गांव गदेरे पर बना एक मोटर पुल बह गया है। रात 9 बजे के लगभग गदेरा उफान पर आ गया था। उधर केदारनाथ रूट पर बारिश ने भारी तबाही मचाई। 31 जुलाई की देर रात केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी से भीमबली के बीच लिंचौली के पास बादल फटने से मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आ गया, जबकि तृप्त कुंड और केदारनाथ पैदल मार्ग का लगभग 25 मीटर का हिस्सा भी बह गया। असर दूर तक हुआ। एहतियात गौरीकुंड और सोनप्रयाग बाजार को खाली करवा दिया गया। सोनप्रयाग से गौरीकुंड को जब रास्ता टूट गया था, ये पूरा यहाँ पे पैच निकल गया था, तो उसके बाद जो रेस्क्यू एसडीआरएफ ने करवाया, यहाँ से ही लोग करीब करीब 2,500 से 3,000 जो लोग रेस्क्यू हुए हैं वो इसी रास्ते से हुए। मैं अब आपको वो रास्ता दिखाता हूँ तो कितना टफ था, यानी कि ये कोई आप, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम है, ये बहुत ही टफ रास्ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हल्का फिसले तो नीचे सीधे मंदाकिनी है। बहुत टफ रास्ते से इस टाइम रेस्क्यू यहाँ पे एसडीआरएफ द्वारा कराया गया है, क्योंकि ये ऑपरेशन काफी रिस्की था। करीब 2,500 से 3,000 यहाँ पे लोग फंसे थे ऊपर, और बीच में सोनप्रयाग पहुंचने के लिए, क्योंकि पूरा जो मोटर मार्ग था वो टूट चुका था, और उसके बाद एक वैकल्पिक जो मार्ग तैयार किया गया वो यही वो मार्ग है जिसके सहारे से यहाँ पे जो लोग फंसे थे उनको रेस्क्यू कराया गया। केदार घाटी में जिस रात बादल फटे वो 31 जुलाई की रात थी। 2013 में जो आपदा आई वो भी 31 जुलाई का दिन था। अब सवाल ये था कि क्या ये तबाही महादेव का प्रकोप थी? जवाब कोई नहीं जानता, लेकिन तबाही दस्तक दे चुकी थी, लिहाजा फौरन शुरू हुआ ऑपरेशन जिंदगी। पहली रात तो ऐसा लगा कि इस तबाही ने 2013 की त्रासदी को दोहरा दिया, लेकिन अंधेरा छटते छटते ये भी साफ हो गया कि लोगों की जिंदगी सुरक्षित है। हालांकि इन जिंदगियों को बचाने के लिए 1 अगस्त से लगातार जद्दोजहद जारी है। केदारनाथ से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।
राहत बचाव के 4 दिन बीत चुके हैं और करीब 10,000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। सबसे अच्छी खबर यह है कि अब तक किसी बड़ी अनहोनी की कहीं से कोई खबर नहीं आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पूरे ऑपरेशन पर नजर रख रहे हैं। कंट्रोल रूम से रेस्क्यू ऑपरेशन पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन के 4 दिन बीत चुके हैं। इन 4 दिनों में हजारों जिंदगियां बचाई गईं, लेकिन अब भी कई जगह पर लोग फंसे हुए हैं। ये आपदा धामी सरकार के लिए किसी चुनौती की तरह आई, तो सरकार ने भी अपने लोगों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खुद मुख्यमंत्री धामी पल पल का अपडेट लेते नजर आए। आपदा में देखिए, चूंकि सड़क का नुकसान हुआ है और जो यात्री हमारे फंसे हुए थे उन सभी यात्रियों को निकालने का काम चल रहा है। लगभग 7,000 से भी ज्यादा लोगों को कल तक रेस्क्यू किया जा चुका है। ऑपरेशन जिंदगी के लिए कंट्रोल रूम से केदारनाथ रेस्क्यू ऑपरेशन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन कंट्रोल रूम से पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिव से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तारना जी में बहुत कम लोग बचे हैं, क्योंकि वहाँ से हमने 300 लोगों को लिंचोली के लिए भी रवाना कर दिया है। तो वो लोग लिंचोली आएंगे, क्योंकि ऊपर मौसम खराब हो रहा है, तो लिंचोली आने से क्या होगा कि हम उनको रेस्क्यू करने में आसानी रहेगी, हमको वो भी किया गया है। तो अब इक्का दुक्का लोग गौरीकुंड में है, गौरीकुंड में कोई नहीं है, सबको निकाल दिया गया है। लिंचोली में भी सबको निकाल दिया गया। रविवार की सुबह 11 बजे तक 527 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका था। देवदूत बनकर आए जवान जहां मौसम खराब है वहां पैदल रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, फिर दूसरी जगहों से यात्रियों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इसी तरह केदारनाथ में भी मौसम खराब होने के चलते 300 लोगों को पैदल लिंचोली पहुंचाया गया। रेस्क्यू का काम फिलहाल रुका है, क्योंकि ये पूरा वॉशआउट हो गया, ऊपर से लगातार पत्थर गिर रहे हैं और अब SDRF ड्रोन की मदद ले रही है। ड्रोन से ये देख रही कि आखिर में दूसरा रास्ता या दूसरा जो रेस्क्यू के लिए जो ट्रैक है वो कहां कहां से बनेगा। आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ यहां पे SDRF कमांडेंट है मणिकांत मिश्रा जी, और वो ड्रोन पे देख रहे हैं कि किस तरीके से अब रेस्क्यू का कार्य आगे जारी रहेगा, क्योंकि वो ड्रोन से ही पहले एक रास्ता देखेंगे और उस रास्ते को क्या कुछ उसमें दिक्कतें आएंगी, वहां किस तरीके से रेस्क्यू किया जाएगा, तो ये अलग अलग रेस्क्यू का एक प्लान तैयार किया जा रहा है। ये वैकल्पिक मार्ग के चयन के लिए मदद ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर से अभी पत्थर गिर रहे हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा रास्ता उचित रहेगा जिससे कि कोई यात्री घायल ना हो। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी संदीप से कहूंगा, संदीप ये जो ड्रोन अभी यहाँ पहुंच गया है और ड्रोन कुछ न कुछ देखते हुए आया है, यानी कि SDRF अब एक नए रास्ते को तलाश कर रही है और जो वो नया रास्ता बनेगा तो शायद आगे आने वाले समय में या आने वाले कुछ चंद घंटों में एक बार फिर रेस्क्यू काम शुरू होगा और SDRF एक नए रास्ते को तलाश कर नए तरीके से नया रास्ता बना के यहाँ पे जो लोग फंसे हैं उनका रेस्क्यू करेगा। अभी तक पूरी केदार घाटी से करीब 10,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। न्यूज 18 की टीम सबसे पहले गौरीकुंड पहुंची है, जहां बुधवार को आई आपदा में भारी नुकसान हुआ। टीम चीरबसा से करीब 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक कर गौरीकुंड पहुंची, जो केदारनाथ यात्रा का पहला पैदल पड़ाव है, जहां का मंजर बेहद डराने वाला था। हम गौरीकुंड में यहां पे गरम कुंड था, तप्त कुंड बनाया गया था, क्योंकि 2013 की आपदा में वो पहले भी दब चुका था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे काम पुनर्निर्माण के काम हुए और उन कामों में यहाँ पे तप्त कुंड बनाया गया था। लेकिन बुधवार को जो आपदा आई उसके बाद वहाँ पे आप देख सकते कितना बड़ा नुकसान हुआ और वो तप्त कुंड कहीं ना कहीं दब चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो पुनर्निर्माण के काम लगातार चल रहे थे फिलहाल वो रोक दिए गए हैं, क्योंकि जो भारी नुकसान यहाँ पे देखने को मिला है, मंदाकिनी नदी का जो कटाव है वो काफी अंदर आ गया है, जिस कारण भी यहाँ पे जो काम चल रहे थे वो पूरा बंद हो चुका है। इस पूरे ऑपरेशन में जवान अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचा रहे हैं। त्रिगुजी नारायण से ऊपर 8 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में भटक चुके तो श्रद्धालुओं की खबर जैसे ही SDRF को मिली तो पैदल ही टीम रवाना हो गई।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।